Hi traders, this is Gurpreet Singh here. Once again, welcome back to our channel. So today in this video, I am going to discuss about the market data. आप मार्केट के डेटा यानी कि OI डेटा को देख के कैसे आप अपना ट्रेड एनालाइज कर सकते हैं या फिर अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं या फिर मार्केट किस डायरेक्शन में आज चल रहा है आप वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आपको पैसा बनाओ तो एक चीज़ बड़ी सिंपल है, जब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं बैठेंगे आपको पैसा नहीं बनेगा। टिल द टाइम आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब जब आप मार्केट की डायरेक्शन में बैठेंगे आप बड़ा इजीली पैसा बना पाएंगे। सो ये चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ अपने इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा, सो कि मैं कैसे यूज़ करता हूं उन सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें अपन डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि डेटा के लिए कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ OI Pulse, ठीक है। लेकिन इसमें अभी क्या ना एक फ्री में भी एक वेबसाइट थी जो डेटा प्रोवाइड करती थी, उस वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग टिक। एक्चुअली क्या ना ये कुछ दिनों से बंद है तो माइट बी इनका कुछ प्लान वैन आने वाला होगा। सो पहले तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ डेटा देती थी। सो अभी काफ़ी सारे जैसे मेरे ग्रुप में मेंबर्स बोल रहे थे कि आप सर कुछ फ्री में जो कोई टूल हो उसके ऊपर आप इंस्टेड ऑफ OI Pulse आप फ्री वाले टूल में दिखाई। तो यहाँ पे मैं जो मैं यूज़ करता था मैं उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करने वाला था लेकिन यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। सो आई हैव नो ऑप्शन अदर ऑप्शन देन OI Pulse। मैं आपको OI Pulse पे ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले चीज़ हम चलते हैं प्राइस एक्शन पे, देन वी विल शिफ्ट टू डेटा। देखो मार्केट में सबसे पहली चीज़ जो एक ऑप्शन बाय है ना उसको पैसा कब बनेगा, जब उसका ट्रेंड ब्रेकआउट होगा। यानी कि पहली चीज़ उसको ट्रेंड फाइंड करना है कि मार्केट में मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है। सेकंड ट्रेंड ब्रेकआउट मतलब कि जब जब ऑप्शन बायर को पैसा तब तब बनेगा जब जब आपका ऑप्शन सेलर भागेगा। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए, जब जब ऑप्शन बायर को तभी पैसा बनेगा जब जब आपका ऑप्शन सेलर भागेगा। वो चीज़ हमें चार्ट के ऊपर कैसे दिखेगी और डेटा में कैसे दिखेगी, वो चीज़ अपन कैसे मतलब कि मिक्स करके कन्फर्मेशन के साथ दोनों चीज़ों को मिक्स करके कन्फर्मेशन के साथ आप कैसे अपन ट्रेड इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर अपना ट्रेड पंच करेंगे, वो सारी चीज़ें जानेंगे। सो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ CPR और एक VWAP यूज़ करता हूँ। मेरे पास मेरा खुद का पेड इंडिकेटर भी है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने एक इंडिकेटर बना रखा। मेरे पास टोटल तीन इंडिकेटर है मेरा। एक है CPR बाय गुरु, एक है दो हैं एक्चुअली CPR बाय गुरु। इसमें आप देखिए एक में छोटा लिखा हो ना CPR बाय बाय जो बीच में लिखा हो वो छोटा है। बेसिकली दिस इज ए फ्री इंडिकेटर एंड CPR बाय गुरु एंड DCPR बाय गुरु इज़ बेसिकली वन ऑफ द पेड इंडिकेटर्स, ठीक है। आपको ये इंडिकेटर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, आपको इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये अप्लाई कर लेना। लेकिन अभी कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें और उसमें फ़र्क क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं, ठीक है, क्योंकि मेरा अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, मेरा अपना ट्रेडिंग सेटअप है। लेकिन मैं आपको उतना ज़रूर बताऊँगा जिससे आप ईजिली मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है, आप मान के चलो मैं VWAP को भी बंद कर देता हूँ। देखिए ट्रेंड में क्या होता है कि जब जब जैसे मान के चलिए मेरा मार्केट है, जैसे मेरा यहाँ पे मार्केट क्या है VWAP के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो इस दिन क्या करना मेरे को डेफिनेटली लॉन्ग का ट्रेड प्लान करना है, यानी कि मेरे को ऑप्शन बाई करना है, कॉल साइड मेरे को बाइंग करनी है। सेम एज इट इस दिन भी देखिए CPR के ऊपर है तो इस दिन भी आपको ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी रहेगी आपका बुलिश साइड रहना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए इस दिन भी आपका CPR के ऊपर है, आपका प्रोबेबिलिटी अपसाइड ही होना चाहिए, लॉन्ग साइड ही होना चाहिए, ठीक है। अभी चलिए कुछ अपन एक दो दिन पीछे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा डीपली समझाने वाला हूँ ये सारी चीज़ें, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगी ये सारी चीज़ें जिससे आप मार्केट में बहुत लंबे टाइम सर्वाइव कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए क्या है, मार्केट आपका CPR के ऊपर है तो यहाँ पे भी आपको इस टाइम पे भी मार्केट में लॉन्ग प्लान करना है। शॉर्ट हमें कब जाना है, शॉर्ट हमें तभी जाना है जब हमारा मार्केट CPR के नीचे ट्रेड कर रहा हो। जिस दिन हमारा मार्केट यानी फिर कैंडल्स हमारे CPR के नीचे ट्रेड कर रहे होंगे उस दिन हम क्या करेंगे, शॉर्ट जाएंगे। सॉरी या अभी आपको ये कुछ एक दो दिन दिखा, जैसे यहाँ पर देखिए इस दिन क्या हो रहा था, आपका मार्केट CPR के नीचे ट्रेड कर रहा है, देन देयर यू विल गो शॉर्ट, ठीक है। सेम एज एक दो और एग्जांपल देखते हैं, जिस दिन मार्केट मान के चलिए नीचे ट्रेड कर रहा हो CPR के, लुक एट दिस डे, इस दिन भी देख लीजिए मार्केट CPR के नीचे ट्रेड कर, तो इस दिन आप शॉर्ट प्लान करेंगे। इस दिन भी देखिए मार्केट CPR के नीचे ट्रेड कर रहा है, आप शॉर्ट प्लान करेंगे। पहली चीज़ है ट्रेंड को समझना। मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए हम CPR का यूज़ करेंगे। बेसिकली इट इज़ अ प्राइस एक्शन इंडिकेटर। इसकी कैलकुलेशन के पीछे मैं नहीं जाऊँगा कि कैसे कैसे लेवल आए, वो आप गूगल पे हैं सर्च कर लीजिए कि ये लेवल्स बनते कैसे, ठीक है। देन सेकेंड चीज़ मैं लगाऊंगा
अभी CPR ने तो मेरे को बता दिया कि भाई मैं बुलिश हूँ, मेरे को ऊपर है तो मेरे को लॉन्ग सेट ट्रेड, लेकिन उसका डबल कंफर्मेशन के लिए हम यूज़ करेंगे VWAP। अगर आपका मार्केट, आपके कैंडल्स डेली CPR, मैं डेली CPR को लिख देता हूँ, डेली CPR प्लस VWAP के ऊपर है, ऑन दैट डे यू विल गो फॉर लॉन्ग ट्रेड, यानी कि आपको उस दिन खाली कॉल का ट्रेड बाई, कॉल ऑप्शन बाई करना है, ठीक है। सेम एज इट इज वाइस वर्सा, मान के चलिए जिस दिन आपका, आपके जो कैंडल्स हैं वो CPR और VWAP के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, दैट टाइम यू हैव टू प्लान फॉर द शॉर्ट ट्रेड, यानी कि उस दिन आपको पुट बाई करके ट्रेड करना है और मार्केट में पैसा बनाना है। ये हो गया मोटा डायरेक्शन ट्रेंड को समझना, कि आप मोटा ट्रेंड कैसे समझोगे। अभी ये चीज़ें हम डेटा के साथ कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे वो चीज़ें जानेंगे, चलिए ठीक है जी। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा एडवांस, इसमें देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें प्राइस एक्शन भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है। मतलब खाली हमें डेटा के ऊपर फोकस नहीं करना, क्योंकि डेटा देखो एक चीज़ है, भले ही हमारे पास टूल है डेटा देखने के लिए, लेकिन ये चीज़ हमारे पास टिक टू टिक नहीं आती, इसमें भी कुछ ना कुछ लैग है, तो हमें इसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देनी। फर्स्ट प्रेफरेंस हमें देनी है प्राइस एक्शन को, अपने चार्ट को, देन सेकेंड प्रेफरेंस अपनी डेटा होगी। अभी चलते हैं डेटा के ऊपर। सो डेटा में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें जो समझनी, हमें सेलर्स की पोजीशन को जानना है, कि सेलर कहाँ कहाँ पे क्या पोजीशन बना रहे हैं, ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सेलर्स की पोजीशन नहीं समझेंगे तब तक हम मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे एज ए ऑप्शन बायर। देखिए ये OI पल्स, इसमें ये जो डेटा है ये सेलर्स का डाटा, यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चेंज इन कॉल OI, बेसिकली ये है सेलर्स का डाटा, ठीक है। सेलर, ये कौन सेलर्स का डाटा है, जो जिन लोगों ने CE को शॉर्ट कर रखा है, ठीक है, कॉल को शॉर्ट कर रखा है। कॉल कौन शॉर्ट करता है, कॉल वो शॉर्ट करते हैं जो मार्केट में बेरिश होते हैं, ठीक है, जो मार्केट में, एक सेकेंड क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड यार, मैं एक्चुअली ना यूज़ टू नहीं इस पेन वेन का, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसको यूज़ करने का। हाँ, सो शॉर्ट कौन करता है, CE कौन शॉर्ट करता है, जो लोग मार्केट में बेरिश होते हैं वो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। सेम एज इज ऑन द अदर साइड, आप यहाँ पे देख रहे हैं चेंज इन पुट OI, ये बेसिकली किनका डाटा है, ये है आपका पुट सेलर्स का डाटा है। ये क्यों करते हैं शॉर्ट, इनका व्यू जब बुलिश होता है तो ये पुट शॉर्ट करते हैं, ओके, पहली चीज़ हमें ये समझ में आ गई। देन ये चीज़ को हम बीच में क्या करते थे, डिवाइड कर देते हैं, ओके जी। यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें देखो, आप देखो ये चीज़ देखो, आज आप किस साइड ट्रेड कर रहे हो, अगर मान के चलो आज आप पुट साइड ट्रेड कर रहे हो, मतलब कि आपको शॉर्ट जाना है, तो आपका ये जो पुट, जो कॉल सेलर्स हैं, जैसे कि ये जो कॉल सेलर्स का नंबर है, ये कॉल सेलर्स का नंबर है, ठीक है, ये हमें हर एक टाइम फ्रेम है, जैसे कि देखिए जो मैं आपको अगर इसको थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाऊँ ना, ये सारा डेटा आप देखिए, मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो से ले जाता हूँ, बिल्कुल जहाँ से मार्केट शुरू होता है हम वहाँ से इसको देखना शुरू करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए मार्केट में ये जो डेटा बनना शुरू होता है, आपका 9:25 पे पहला डेटा आपके पास बन के आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका मार्केट CPR के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे कि आप देखिए हमारे पास इस दिन को, यानी कि 15 तारीख को हमारा मार्केट क्या कर रहा था, CPR के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और लेकिन VWAP के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो डेट मीन्स ये हमारे पास एक तरीके का नो ट्रेड जोन होगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम पहले कैंडल में ऑब्जर्व, पहले ही कैंडल में नहीं मार्केट में घुसेंगे, हम मार्केट को थोड़ी देर, आधा घंटा 15 मिनट हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट किस तरीके का मूवमेंट हमें दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आधा घंटा, जाने की 9:15 से लेकर 9:45 तक हम मार्केट में वेट करेंगे इस टाइम का, ठीक है। ये हमने वेट किया, इस टाइम पे देखिए क्या हो रहा है, भले ही हमें आज लॉन्ग जाना है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी CPR के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट VWAP के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, तो मतलब कि हमें यहाँ पे कॉशियसली थोड़ा वेट करना है कि मार्केट VWAP के ऊपर जाए। तो यहाँ पे मार्केट VWAP के ऊपर कब गया, अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन में, अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट आपका VWAP के ऊपर गया लगभग, देखिए 10:20 के अराउंड,
10-20, 10-25 के अराउंड मार्केट गया। अभी हम क्या करेंगे, ये चीज़ हम डेटा के साथ सिंक करेंगे, क्या मेरे लिए यहाँ पे ट्रेड बनता था। लेकिन देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन तो बोला ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि कैंडल छोटे छोटे बन रहे हैं और वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, सीपेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। भले ही हमें जाना लॉन्ग है, लेकिन हमें यहाँ पे अप्रूवल नहीं दी, वीवैप ने हमें अप्रूवल नहीं दी कि भाई तू लॉन्ग जा, ठीक है। अगर कोई मान चलो इस कैंडल में चढ़ा भी होगा तो उसका एसएल हो गया होगा, क्योंकि उसने अगर डाटा के साथ उसको सिंक नहीं किया होगा, कंफर्मेशन नहीं लिया होगा डाटा, तो वो ट्रैप हो गया होगा, उसका एसएल हो गया होगा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे इस टाइम पे, पूरे टाइम पे मार्केट ने यानी कि 9:15 से लेकर 10-20 तक मार्केट ने क्या क्या किया है, हम वो चीज़ डेटा में देखेंगे, वो चीज़ मैं आपको डेटा में समझाऊंगा। यहाँ पे आप डेटा में देखिए क्या हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें मेन चीज़ देखो व्यू कैसे बनाना, मैं वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। हमारा यहाँ पे व्यू बना कि भाई मेरा जो क्या बोलते हैं मार्केट है वो CPR के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आज मेरे को लॉन्ग ट्रेड सोचना है। लेकिन एक शर्त है कि मेरा मार्केट CPR के ऊपर ट्रेड तो कर रहा है लेकिन VWAP के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा, तो मेरे को थोड़ा जाना लॉन्ग ही है, लेकिन मेरे को थोड़ा कॉशियसली सोच समझ के लॉन्ग जाना है। अभी देखिए चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, मैंने जैसे कहा कि ये हमारा पार्टीशन है, ठीक है। हमें यहाँ पे देखना है, अगर हमें शॉर्ट का डाटा देखना है, मतलब कि अगर मेरे को मार्केट को शॉर्ट करना है, मतलब कि मेरे को पुट बाई करना है, तो मैं ये डेटा देखूंगा, ठीक है। अगर मुझे मान के चलिए कॉल बाई करना है तो मैं ये डेटा देखूंगा। देखने दोनों ही हैं, लेकिन प्रेफरेंस समझिए कि किस साइड पर कौन सी चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है। अभी यहाँ पे पहले राउंड में देखिए क्या किया इन्होंने, किया 46,13,160 का सेलर्स ने, यानी कि पुट कॉल सेलर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट की बनाई, ठीक है। लेकिन उस साइड में देखिए दूसरे हाथ में क्या किया इन्होंने, बनाई 52 लाख पुट सेलर ने बनाई इस राउंड में। पहले राउंड में देखिए कौन जीत रहा है, यानी कि पुट सेलर्स थोड़े कॉल सेलर से आगे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी देख लीजिए ट्रेंडिंग वाई भी ग्रीन दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी देखिए CPR के ऊपर है, इसलिए बुलिश है, मतलब कि डायरेक्शन समझिए कि आज मेरे को लॉन्ग साइड ट्रेड जाना, तो इसलिए ये भी ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये इतना कन्विंसिंग नहीं है कि मैं इसमें लॉन्ग जाऊँ, ठीक है, ये इतना कन्विंसिंग नहीं, क्योंकि 6 लाख का OI तो कभी भी चेंज हो सकता है, आप ट्रैप हो सकते हो। सेम एज इट इज़। फिर दूसरे राउंड में देखिए, दूसरे राउंड में देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर पोजीशन बनाई, थोड़ा ऐड किया कॉल सेलर ने, यानी कि 61 लाख का पोजीशन ऐड किया, इधर इन्होंने 71 का किया, थोड़ा फिर डाटा बढ़ गया। लेकिन ये फिर भी कन्विंसिंग नहीं, इस पर अपन आप लॉन्ग नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, VWAP के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। VWAP को ब्रेकआउट तो नहीं दे रहा, हालांकि ये पोजीशन ऐड कर रहे हैं, हालांकि जो अपर हैंड है वो पुट सेलर्स का है, मतलब कि पुट सेलर्स अपर हैंड में है, मतलब कि उनकी पोजीशन कॉल सेलर्स से ज़्यादा, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि VWAP के नीचे ट्रेड कर रहा है। सेम इज चीज़ अगले राउंड में, फिर देखिए 78 हुआ इधर, फिर थोड़ी सी पोजीशन बढ़ा दी, लेकिन कन्विंसिंग नहीं है, फिर इधर बढ़ा दिया, फिर इधर भी इन्होंने भी बढ़ा दिया, दोनों ही बढ़ा रहे हैं पोजीशन। लेकिन अभी यहाँ पे गेम चेंज हुआ, गेम कहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे आके हमारा गेम चेंज हुआ, वो देखिए कहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखिए कहाँ पे हमारे पास 9:15 से लेकर 9:40 तक कौन आगे जा रहा था, पुट सेलर्स आगे जा रहे थे, ठीक है, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते थे, ठीक है, वो आगे जा रहे थे। लेकिन फिर सडनली क्या हुआ, इन उन लोगों ने यानी कॉल सेलर ने पोजीशन ज़्यादा ऐड करनी शुरू कर दी, तो यहाँ पे देखिए क्या वो 12 लाख से जो डिफरेंस था वो 12 लाख का डिफरेंस कम हो गया इस दो राउंड में। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लॉन्ग जाओगे, नहीं जाओगे। अभी ये ही एक ऐसा सिचुएशन है वेट करने का, हमें यहाँ पे वेट करना है। लोग क्या करते हैं, यही चीज़ लोगों ने देखा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये एरो बन रहा, ऊपर जा रहा, मतलब मार्केट भी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता, हमें पोजीशंस को साथ देखना है। तो यहाँ पे गेम क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन बढ़ने के बजाय कम हो गया, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं फिर भी आराम से बैठेंगे, ठीक है। सो ये पूरा देखिए, ये पूरा गेम इनका पूरे टाइम ऐसा ही चलता रहा, 10-15 तक देखिए ये पूरा जो सिनेरियो है ये नो ट्रेड का सिनेरियो था, मतलब कि डेटा भी हमें ये बोल रहा था कि भाई ट्रेड नहीं करना, लॉन्ग ट्रेड नहीं करना, कॉल ना तो आपको कॉल का ट्रेड बाई करना, ना तो आपको पुट का ट्रेड बाई करना, और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी यही बोल रहा है कि भाई तू पंगा मत लेना मेरे साथ, गलती से कॉल का ट्रेड बाई मत कर लेना, फंस जाओगे तुम। देखो दोनों चीज़ कितना सिंक में चल रही हैं,
अभी आप मेरे को बताइए, क्या आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हो जब डाटा देखते हो या प्राइस एक्शन देखते हो? आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हो? अगर आप ऑब्जर्व करते हो देन मीन डैट मीन्स यू आर ऑन लर्निंग स्टेज, आप एक अच्छा ट्रेडर बनने की राह पे हो। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ रहे हो तो समझ लो भाई आप अपने साथ एक धोखा कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो मार्केट में, मार्केट आपको एक दिन अच्छी चपेट मारेगा और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। ठीक है, इतना हाफ का टाइम का समझ में आया कि मार्केट में भी क्या चल रहा था और प्राइस एक्शन भी क्या हो रहा था कि भाई नो ट्रेड जोन है, पंगा नहीं लेना। अभी हम क्या करते हैं, और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए मार्केट ने वी वेब के ऊपर कब गया, 10-20, 10-30 है ना, लेकिन हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे? हम ट्रेड लेंगे जब यहाँ पे ये पूरा स्विंग निकल जाएगा। प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि भाई इतनी देर इसने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ये स्विंग निकल गया और हम लेंगे ब्रेकआउट रेट, यानी कि 10:40 के कैंडल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड पंच करेंगे, यानी कि 10:40 में। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, मेरे दोनों चीज़ें फुलफ़िल हो गई। मतलब कि पहली चीज़ क्या फुलफ़िल हो गई कि मार्केट मेरे CPR सॉरी जस्ट अ मिनट कि मार्केट मेरा CPR के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस VWAP के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दो कन्फर्मेशन हो गई। अभी तीसरा कन्फर्मेशन लेना हमें डेटा से। जब ये तीनों पॉइंट आपके मिल जाए तो आपका CE साइड ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप डेफिनेटली इसमें पैसा बना के निकलोगे। ठीक है, अभी आप मेरा ट्रेड देखिएगा, मैंने आपको कल का ट्रेड भी डाला, अपना मेरा ट्रेड भी मैंने आपको दिखाऊंगी मैंने कब लिया था। मेरा ट्रेड था एंट्री लगभग इस कैंडल में, यानी इस कैंडल, इस कहीं इस कैंडल के आसपास था। मैं आपको पहले ट्रेड दिखा तो जो मैंने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था, आप लोग देखिए, ये देखिए, जिसमें मैंने 109 पॉइंट कैप्चर किए। लुक एट माई एंट्री 10:42, यानी कि 10:42 में मैंने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया दो लॉट के साथ। ठीक है, मेरा बाइंग प्राइस था 458 और मैंने ट्रेड काटा कहाँ पे, 11:03, अभी 10:42। ठीक है, यानी कि किस कैंडल में हुआ, 10:42, यानी कि इसी कैंडल में, जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी कैंडल में ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म करेंगे डेटा में कि डेटा में उस टाइम पे क्या हुआ था, वो डेटा भी अपन चेक कर लेते हैं। लो भाई अभी डेटा भी आपको दिखा देते हैं। अभी चलते हैं हम 10:40 के टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 10:40 के बाद आप ध्यान से अब थोड़ा डेटा को नज़र मारिए, क्या हुआ कि भाई लोग 10:40 के बाद डिफरेंस कैसे बढ़ना शुरू हुआ, 3 से हुआ 5, 5 से हुआ 7 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख, फिर थोड़ा कम हुआ बीच में 13 लाख, लेकिन इतना कोई डरने वाली बात नहीं, 15 लाख, फिर 33 लाख। आप देखते जाओ, देखते जाओ इसमें क्या हुआ, 33 लाख के बाद 63 लाख, 75 लाख, 71, फिर बढ़ता ही गया। देखो मैंने ट्रेड कब काटा, मैंने ट्रेड जब काटा 11:15 बजे, जब मैंने देखा कि यहाँ पे घटना शुरू हो गया है, घटना शुरू हो गया तो मैंने देखो क्या किया, अपना ट्रेड बुक कर लिया। यही होती है समझदारी। और इसमें मेरे को पॉइंट कितने मिले, 109 पॉइंट। ये छोटी छोटी चीज़ें आप भी कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, ये करना बहुत इजी। मेरे जो डेली ट्रेड होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड ही होते हैं। मैं वही चीज़ कहता हूँ कि जब आपका प्राइस एक्शन भी आपके फेवर में हो, आपका डेटा भी आपके फेवर में हो, आप आँख बंद करके ट्रेड मारो, आपका SL भी नहीं हिट होगा, SL भी हिट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मैंने कल 100 पॉइंट एक ही ट्रेड में कैप्चर किए। आप खुद देख लो कि कल पूरे टाइम पे मार्केट के ओवरऑल, अगर मैं दिन का लो से अगर मैं देखूँ हाई तक देखूँ, कितने रेंज में मार्केट घूम रहा था, मार्केट सारा घूम रहा था 262 पॉइंट। तो 262 में से आप समझ लो कि 262 में से हमने 110 पॉइंट तो निकाल लिए ऑलरेडी। और क्या चाहिए भाई, आप मेरे को बताओ। लेकिन ये आएगा कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस से। जब रोज आप ट्रेड करोगे, रोज आप प्राइस एक्शन को समझोगे, डेटा को समझोगे, तब ही आपकी बात बनेगी, तभी आप मार्केट में लंबा टिक पाओगे, लंबा चल पाओगे। ठीक है, अभी किसी और दिन का देखते हैं। जैसे ये दिन देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, इस दिन भी देख लीजिए। मैंने आपको क्या कहा कि आपको ट्रेड तभी इनिशिएट करना है जब आपका दोनों सिनेरियो पे मार्केट ऊपर हो। यानी कि यहाँ पे देखिए, इस दिन क्या हुआ था, 14 तारीख को, मतलब कि मार्केट CPR के ऊपर तो था लेकिन लॉन्ग ही जाना आपको इधर। लेकिन क्या आप देखिए, इतने हाफ में क्या मार्केट VWAP के ऊपर सस्टेन कर रहा था? तो
तो सस्टेन कर रहा था, देन यू कैन गो लॉन्ग इन दिस कैंडल, आपको इसमें कम से कम 30 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, आप करो लॉन्ग, क्यों नहीं लॉन्ग करोगे, करो लॉन्ग, वो बात अलग है कि आपका इस दिन आपका एसएल हो गया। अभी ऐसे दिन में आप कैसे बचोगे, मैं आपको वो समझाता हूँ, वो भी मैं आपको अपना जो मैं अपना साइकोलॉजी अपनाता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। ऐसे दिन पे मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरा एंट्री होगा पहले कैंडल में ही, मैंने एंट्री कर लिया था इस दिन, मैंने पहले कैंडल में ही लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद मैंने डाला भी होगा ग्रुप में। मैं रेगुलरली अपने ट्रेड जो जो मैं ट्रेड करता हूँ भाई लोग, मैं सब अपने ट्रेड्स डालता रहता हूँ बिना किसी चीज़ के, मैं अपना ट्रेड रेगुलरली पोस्ट करता हूँ। ये देख लीजिए, शायद मेरे हिसाब से यही ट्रेड होगा, ये देख लो 9:15 पे मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ, 9:43 पे मैंने काट दिया ट्रेड। किस दिन का ट्रेड है, 14 सितंबर, ये देख लीजिए, ये 14 सितंबर है ना, देखो पहले कैंडल में मैं क्यों लॉन्ग गया, क्योंकि भाई मेरे सारे कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, मतलब कि मेरा CPR के ऊपर भी है कैंडल, प्लस VWAP के ऊपर भी है, तो मैं लॉन्ग क्यों नहीं जाऊँगा भाई, अगर अभी लॉन्ग नहीं जाऊँगा तो मैं कब लॉन्ग जाऊँगा। देखिए और क्या है कि प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं लॉन्ग जाऊँ, मेरे को प्राइस एक्शन पूरी तरह बोल रहा है कि भाई तू लॉन्ग जा। लेकिन इस कैंडल में फिर भी मैंने 15, आप देखो नॉर्मली क्या होगा ना, एक छोटा ट्रेलर होगा जो नया नया ट्रेड होगा, वो बंदा क्या करेगा यार, ट्रैप हो जाएगा, वो क्या करेगा, दो कैंडल नीचे मारे ना, जैसे ये 3 कैंडल नीचे मारे तो काट के निकल लेगा ट्रेड में से, कि भाई मेरा तो ऐसा हो गया, मैं निकल रहा हूँ, मेरे से होल्ड नहीं हो रहा। यहाँ पे गेम आती साइकोलॉजी की, आप कितने पुराने ट्रेडर हो, कितने पुराने एक्सपीरियंस से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको अपने आप आए। अभी देखो मैं पहले ट्रेड में ही लॉन्ग चला गया, ठीक है, मैं पहले ट्रेड में ही लॉन्ग चला गया, और मैंने यहाँ पे क्यों बुक किया, मैं यहाँ पे इस टाइम पे देखें क्या टाइम था, अपन ये भी देख लेते हैं, इस टाइम पे देख लीजिए, इसी कैंडल में मैं क्यों निकल गया, इसी कैंडल में मैं क्यों निकला, इस कैंडल में मैं इसलिए निकला भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो मेरा लेवल था R1, ठीक है, मैं चढ़ा हुआ यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मोमेंटम पॉज हो गया रेड कैंडल में, जैसे इस कैंडल का रेड का लो निकलेगा मैं निकल जाऊंगा अपना ट्रेड में, सिंपल, क्योंकि ये मेरा अलर्ट कैंडल होगा ना, ये बेसिकली मेरा एक तरीके का जो रेड कैंडल है, बेसिकली दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेड कैंडल जो बना हुआ है, ये मेरा एक तरीके का अलर्ट कैंडल है, मतलब कि मैं अगर कोई लॉन्ग ट्रेड में हूँ तो मेरे को यहाँ पे अलर्ट हो जाने की भाई तू अपना प्रॉफिट बुक कर ले, नहीं तो जो आया ना वो हाथ में वो भी निकल जाए, वो मार्केट ले लेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा पहले कैंडल का, जैसे ही इस कैंडल का अगर लो निकला, भले ही क्लोजिंग नीचे हो ना हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना ट्रेड काट दूंगा, सिंपल, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपको रोज रोज बैठने पे ऑब्जर्व कर, सॉरी चलो बेटा, सॉरी गाइस, एक्चुअली बच्चा आ गया यार, बीच में वीडियो बनाते, चलो जाओ मम्मा जाओ, ओके गो। सो बेसिकली यही चीज़ें छोटी छोटी साइकोलॉजी हैं, ठीक है। फिर मैंने देखी यहाँ पे पूरा दिन वेट किया, मैंने एक यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड मारा और यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड मारा, ये कैसे मारा भाई, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यहाँ पे आप इस दिन देखिए, मैंने दोबारा फिर जो ट्रेड मैंने की मैंने डाले, ये देख लो, मैंने एक पुट का ट्रेड मारा, एंट्री इसमें मेंशन है, यानी लगभग 1:50 में, यानी कि कहाँ पे 1:50 आपके कहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि देखिए जब कैंडल्स ने क्या किया यहाँ पे VWAP के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, VWAP ने क्या करना शुरू कर दिया, इसको रिजेक्शन देना शुरू कर दिया, तो मैंने आँख बंद करके शॉर्ट किया CPR तक के लिए, तो मैंने यहाँ पे स्कैल्प किया, तो इसमें मेरे को कितने पॉइंट आए, लगभग आप देख लीजिए इस ट्रेड में मेरे को 40 पॉइंट आए 3 लॉट में, ठीक है, 3 लॉट में था। और फिर उसके बाद मैंने फिर कॉन्ट्रा ट्रेड मारा, देखिए एक और ट्रेड मारा 2 लॉट में, वो मैंने मारा लगभग सवा दो के राउंड, और मैंने देखो 3 मिनट में इसमें भी 50 पॉइंट बुक कर लिए, ठीक है, ये होती है प्रैक्टिस। यहाँ पे देखिए मैं नीचे से लॉन्ग है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई CPR तो बोल रहा है कि भाई मैं नीचे नहीं गिरने दूंगा, हैमर बन रहा है, तो मैं ब्लाइंडली लॉन्ग जाऊंगा, मैं क्यों मैं शॉर्ट लंबा होल्ड करूंगा, मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, ऊपर सेलर बैठा हुआ, मैं ऊपर से शॉर्ट करूंगा नीचे से बाई करूंगा। मैंने अपना जो मेरा दिमाग था, जो मेरी स्किल थी, मैंने उसको यूज़ किया। देखो ऐसे साइडवेज में भी पैसा बनता है, आप ये मत सोचो कि साइडवेज में पैसा बनाना मुश्किल है, पैसा बनता है, लेकिन
बात क्या है, आपकी कन्विक्शन और साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो, ठीक है। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। डेटा सिर्फ आपको एक कन्विक्शन देगा कि भाई मैं भी बोल रहा हूँ कि लोग अपने, देखो मैं वही चीज़ बोल, शुरू में मैंने क्या बोला कि आपको पैसा तब बनेगा जब सेलर भागेगा। ये डेटा आपको बता रहा है कि भाई सेलर भाग रहा है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन मेन जो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी प्राइस एक्शन होगी, सेकंड प्रेफरेंस डेटा होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दो दिन के एग्जांपल दे दिए, मैंने आपको इस दिन भी दिखाता हूँ। इस दिन देखो, मैंने इस दिन यहाँ पे लॉन्ग किया, ये लगभग आपका 13 तारीख को मैंने लगभग इसी किसी कैंडल में लॉन्ग किया, मैंने डाला होगा स्क्रीनशॉट पक्का 13 तारीख को भाई जी हमारा ट्रेड था, 13 तारीख देख लो भाई। इसमें भी मेरा जो पहला ट्रेड शायद यही था कि कोई और ट्रेड भी किया है मैंने इसके, हाँ ये देख लीजिए, इस दिन मैंने 150 पॉइंट कैप्चर किए हैं। बताओ आप खुद देखो और इस चीज़ को, एक मिनट किधर गया वो, ये देख लीजिए 80 पॉइंट मैंने एक अकाउंट में बुक किए, ठीक है। 11:11 पे एंट्री थी मेरी, और दूसरे अकाउंट में किधर एंट्री थी, 10:55, यानी कि पहले इस अकाउंट में एंट्री के बाद में दूसरे अकाउंट में 10:55 पे एंट्री थी। 10:55 का कैंडल देख लीजिए 13 तारीख को कहाँ पे था, यानी कि ये देख लीजिए, यानी कि यहाँ पे मेरे क्या दिमाग में क्या साइकोलॉजी चल रही थी कि भाई भले ही मैं CPR के नीचे हूँ, मेरे को शॉर्ट ट्रेड लेना है, ठीक है, भले ही मैं CPR के नीचे, मेरे को शॉर्ट ट्रेड लेना है, लेकिन प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि भाई मैं प्रीवियस डे लो से रिवर्स कर रहा हूँ, मैं नीचे गिरने के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है जी। कैंडल क्या कर रहे हैं, CPR के ऊपर, VWAP के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, और जैसी मैं तो भले एंट्री कर गया पहले कर गया, लेकिन आप इस पे एंट्री कर सकते हो। आप ये भी स्विंग छोड़ो, आप यहाँ पे अगर कायदे से देखें तो आपका एंट्री बनेगा CPR के ऊपर, यानी कि यहाँ पे एंट्री बनेगा आपका। अगर मैं एक एग्जैक्टली लाइन मारूँ ना तो आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी इस कैंडल में, लेकिन ये एंट्री लेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये मैं वही चीज़ कहूँगा, प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। एक दिन में कोई ट्रेडर नहीं बनता, उसको टाइम लगता है। देखो मेरा एंट्री कहाँ पे था, लगभग इस कैंडल में मेरा एंट्री था, लगभग 10:55 के कैंडल में, यानी कि इस कैंडल में, ठीक है, इस कैंडल में मैंने एंट्री किया, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ मैंने इस कैंडल में एंट्री किया 10:55 के। क्यों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई नीचे प्रीवियस डे से मार्केट रिवर्स कर रहा है, और VWAP के ऊपर सस्टेन कर गया, और CPR को ब्रेकआउट करेगा ही करेगा, कंफर्म करेगा, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग मारा, और आप देख लीजिए आपके सामने है, मैंने 2 अकाउंट में 150 पॉइंट कैप्चर किए, ठीक है। 2-3 ट्रेड बहुत ईजी है यार, मैनेज करो, 2-3 ट्रेड दिन के बहुत हैं, अपने को सारा दिन ट्रेड नहीं करना है। लोगों को क्या होता है कि मैं भाई पूरा दिन ही ट्रेड करूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मेरे को हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं पकड़ा जा सकता यार। ये चीज़ें आप जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी आप ट्रेडर बन जाओगे। जब ये साइकोलॉजी में आ जाओगे कि भाई मेरे को हर एक कैंडल में ट्रेड नहीं करना, हर एक सिनेरियो मेरे को ट्रेड नहीं करना, मेरे को वो सिनेरियो ट्रेड करना जो मेरे को समझ में आ रहा है, आप डेफिनेटली प्राइस, आप देखिए यहाँ पे डेटा देखते हैं अपन क्या था, 13 सितंबर है ना, 13 सितंबर को अपन 11 बजे के बाद डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे देखो डेटा ने भी कन्फर्मेशन दिया था। देखो बैंक निफ्टी प्लस 13 सितंबर, ये घूमा का मार्केट आपका भाई साहब घूमा है लगभग 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद क्या हुआ देखते हैं। लीजिए भाई साहब यहाँ पे देख लीजिए कि मार्केट में डेटा, मैं वो चीज़ कहता हूँ डेटा आपको सपोर्ट देगा। देख लीजिए 23 लाख माइनस थे, 26 हो गया, फिर 37, 42, 45 है ना, 50 बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लॉन्ग क्यों नहीं जाओगे मेरे को, भाई मेरे को बताओ क्यों लॉन्ग जाने की वजह बताइए, ना लॉन्ग जाने की क्यों नहीं जाओगे। डेट मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि पहला प्रेफरेंस प्राइस एक्शन होगा, प्राइस एक्शन अपनी एंट्री देगा, सेकंड कंफर्मेशन होगा डेटा, डेटा आपको देगा होल्डिंग पावर, कन्विक्शन देगा। ये दो चीज़ों को सिंक कर लीजिए। मैं कहता हूँ कितना मर्जी कोई मर्जी खब्बी खाना आपके सामने आ जाए, भले FI आ जाए, DIG आ जाए, आप उसके हलक से पैसा निकाल के ले आओगे अगर आप ये चीज़ इतना दम रखते हो तो, ठीक है। हमें क्या करना, डबल कन्फर्मेशन के साथ जाना है, डेटा को भी खाली ब्लाइंडली डेटा को भी नहीं फॉलो, खाली डेटा को देख के ट्रेड नहीं करना। पहले मैं डेटा को देख के ट्रेड करता था, मैं रोज़ लॉस करता था, लेकिन जब मैंने प्राइस एक्शन को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी ना, उस दिन के बाद मैं बहुत ईजिली प्रॉफिटेबल हो गया,
ये छोटी छोटी चीज़ें आप समझिए, ठीक है। वीडियो लंबा आ जाएगा, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा पूरा दिन इस चीज़ पे बोल सकता हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं रोज़ ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट में, रोज़ देखता हूँ और उसी के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार, तभी मेरे को भी खुशी मिलेगी यार, कोई वाकई मेरी कोई नॉलेज से कोई बंदा सीख रहा है कुछ ना, तभी मेरे को प्रेरणा मिलेगी, मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊंगा और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, ठीक है। सो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही ख़त्म करते हैं अपन, ठीक है। बाकी मैं और कल के लिए वीडियो में शायद कुछ और नई चीज़ आपको बताऊँ, प्राइस एक्शन प्लस डेटा। तब तक आप इसको देखिए और इन्जॉय करिए। धन्यवाद।